गाइस, खुशबू अच्छी है। इस होटल का व्यू, ओ माय गॉड। कितना हो गए रेडी? आर यू रेडी? आप तैयार हो? Yes. हो गए तैयार? कितने हैं तू? नानू जी, डर लग रहा है आपको? बहुत के पे? वैसे डर तो मैं, मेरे को भी लग रहा है। मैं ऐसे तू क्या, नानी के साथ इतना टाइम हो गया, अभी भी डर? भाई मैं कुछ नहीं किया नानू, मैं कुछ नहीं किया नानी, देखो मैं नहीं हंसी नानी, मैं कुछ नहीं किया नानी, मैं नहीं हंसी है सब। अब क्या ना, अब नानी डरती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने गुलमर्ग में होटल में चेक इन कर लिया। होटल का नाम है, ये पढ़ा नहीं जा रहा, अफरबाद क्योंकि यहाँ पे उल्टा दिख रहा है। एंड अब हम लोग जा रहे हैं गंडोला राइड पे। इस होटल का व्यू, ओ माय गॉड। ओके, अब होटल से हम लोग जा रहे हैं गंडोला राइड के लिए। 1.5-2 किलोमीटर का ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम लोग अभी वॉक करते करते जाएंगे। एंड एक्चुअली मैं पहले कभी गंडोला में बैठी रही हूँ, और मुझे बहुत, मुझे लग रहा था कि ये मेरे साथ में है, व्लॉग में आ रही हूँ, ये अपने ही लग पड़ी है। मुझे वैसे तो, मुझे हाइट से, मुझे और नानू को हाइट से बहुत डर लगता है। मेरे और नानू का ऐसा है कि बट ये, अगर किसी को पता ये वाला मंदिर कौन सा है तो चलो कॉमेंट करो, वरना आगे वीडियो में मैं तो बता ही दूंगी, बट किसी को याद है तो बताओ ये कौन सा मंदिर है। नानी जी, आप गंडोला में बैठे हो पहले? गंडोला में बैठे हो पहले? गंडोला में पहली बार? हम सबका ही पहली बार है, सबका नहीं, पापा बैठे हैं एक्चुअली। तो पापा तो एक्चुअली गुलमर्ग पूरा ही घूम ही चुके हैं ना। में जी गाड़ी चलेगी, पहले हमें गंडोला पे ड्रॉप करेगी, उसके बाद 7-8 पॉइंट जो भी है जहाँ पे। अच्छा चलो, ओके ओके, जल्दी जल्दी जल्दी, नाइस। गजब बेइज्जती है। हम पहुंच गए गंडोला वाली लोकेशन पे, फटा दी यार, अपनी जैकेट भी फाड़, नहीं जैकेट भी। दूसरा जा रहा है, अभी हम गंडोला राइड पे बैठ गए। नाइस ब्रो, क्या हो रहा है? हाय, कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाय, डरी हुई और क्या है।
मतलब ऐसे नीचे हाइट देख के थोड़ा सा लगता है मेरे को थोड़ा झटका आता है तो मेरे को डर लगता है। जाकिर खान रेफरेंस यार, मजा आ रहा है यार, थोड़ा सा हाइट का है बट मजा आ रहा है। लास्ट ईयर ना रोप टूट गए थे बीच में, यहाँ पे गंडोला में लोग थे वो नीचे, कैजुअलिटी हुई थी काफी। हाँ गंडोला में लोग थे वो नीचे। एक्सक्यूज मी सर, कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं। नानू जितना डरते थे ना उतना रिलैक्स रहे। नानू डरे तो नहीं? नो। अभी आप पहुंच गए कुंगम डोरी, इसका नाम है कुंगम डोरी, सेवन शिवरिंग भी बोल सकते हैं, कुंगम डोरी भी बोलते हैं। कुंगम डोरी पहला नाम है, सेवन शिवरिंग आज नया है। यहाँ पे सात चश्मे का पानी यहाँ पे निकलता है एक जगह पे। एल्टीट्यूड है अभी 10,050 फीट हाइट है, 3,000 मीटर अबव सी लेवल। वो है सेकंड फेज 40,500 फीट, 4,000 मीटर। अगर किसी को टूरिस्ट घोड़े का राइड करना है, मेडो ग्राउंड वगैरह वो अवेलेबल है सर। अच्छा, तो ये कितनी फीट ऊपर है ये तो उन्होंने बताई दिया, बट लुक एट द लोकेशन ब्रो। तो हम लोग बेसिकली गुलमर्ग से ऐसे गंडोला राइड करके आए। यहाँ पे दो फेजेस है, फर्स्ट फेज तक 740 रुपीज पर पर्सन एंड फर्स्ट फेज से सेकंड फेज तक 900 रुपीज पर पर्सन। बट अभी ऊपर जाने को वो बोल रहे हैं कि बर्फ वगैरह भी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहीं पे रुक गए। अब यहाँ पे हम लोगों ने कश्मीरी कावा ऑर्डर किया है, मैं पहली बार पीने लगी हूँ, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड हमने ऑब्वियसली पहाड़ों में आए तो मैगी तो खाएंगे आज हम लोग। बिल्कुल चुप रहो, आज हम लोग बिल्कुल दुनिया से ऐसे परे घूम रहे हैं क्योंकि हमारे फ़ोन में इंटरनेट चल नहीं रहा। फ़ोन में सिग्नल आ रहे हैं लेकिन कॉल वगैरह नहीं हो रही, और जहाँ पे हम रुके वहाँ पे भी वाईफाई नहीं चल रहा क्योंकि वहाँ पे वाईफाई बीएसएनएल ब्रॉडबैंड लगा। ये इंसान भी बीएसएनएल के अफसर है और ये इंसान भी बीएसएनएल के अफसर है इनके पास कुछ नहीं अब बोलने को। क्यों तारीफ कर दी है? क्यों तारीफ कर दी? क्योंकि ये दोनों अफसर रिटायर हो चुके हैं तो अब नो जिम्मेदारी। मम्मी गुड जवाब, नाइस। हम रहे हैं ठीक, चलता रहे बहुत बढ़िया चलता रहे। हाँ वैसे सही बात है, हम लोग भी तो बीएसएनएल यूज करते थे। सारा दारोमदार दोनों के सिर पे था, ये गए तो खत्म। नहीं यहाँ हाइट ज्यादा है, यहाँ पे आसपास में हो सकता है कोई टावर ना हो। बट ऐसा है कि अच्छा लग रहा है ऐसे पूरी दुनिया से थोड़ी देर ऐसे ना, मतलब ऑफ, इंटरनेट भी ऑफ, फोन फोन कुछ नहीं है यहाँ पे। दालचीनी वगैरह बहुत बढ़िया, कश्मीरी बहुत टेस्टी है। अब मेरी बारी, यस खुशबू अच्छी है। कितनी स्वाद है यहाँ से। आप सैफरान लेना और हनी लेना, सब्ज़ इलायची, ग्रीन इलायची और दालचीनी, ठीक है। और पहले डालना बर्तन में पानी, उसके बाद डालना सब्ज़ इलायची, दालचीनी, शाही कहवा और सैफरान थोड़ा सा। फिर जितनी देर उबालोगे उतना मजा आएगा, उतना टेस्ट आएगा काफी। वेरी गुड। और लास्ट में हनी डालना अपने हिसाब से, जितना आप शुगर लेना चाहोगे। वो शुगर नहीं डालनी, हनी डालना, हनी डालना है वो अपने मन के हिसाब से डाल देना इसमें, ठीक है। हमने थोड़ा सा ऑलमंड्स काट के डालना, कापस में डालना, उसके बाद कहवा डाल देना, जितनी देर उबालोगे उतना मजा आएगा कहवा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा बना था। थैंक यू मैम, थैंक यू। Come on.
मजा आया थोड़ा सा ऐसे, जब ऐसे नीचे जा रहा था ना तब डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस अभी नीचे पलट जाएंगे, बट उन्होंने बोला ऐसे वेट पीछे को करो, फिर हम पीछे को करके रखा, फिर ठीक लगा। हम लोग बीच में डर रहे थे ना, सुनो, हम लोग बीच में डर रहे थे ना, तो जो भैया थे, भैया कहते पंजाबी और कश्मीरी डरते नहीं होते, उनका भैया ये आपने ना ईगो पे बात ला दी है, हूं नहीं डरते भाई ऐसे। कोक मंगाओ सच्ची यार, कुछ कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो, इसके घोड़े को तो भगा ही दिया एंड पे। भैया थोड़ा कश्मीरी सिखाओ ना, थैंक यू को कैसे बोलते हैं? शुक्रिया। बस कुछ कुछ ऐसा सिखाओ ना जो कश्मीरी में अलग हो। कैसे हो आप? कैसे हो? क्या शुक्रा? आगे जवाब देते हैं, बढ़िया है, बढ़िया है। तो क्या बोलते हैं? असल क्या शुक्रा हो गया, क्या कर रहे हो? अच्छा क्या कर रहे हो? क्या छू कर है? कैसे हो? और असल छू, असल छू, असल छू मतलब अच्छा है, अच्छा। बारिश का ये क्या हो? बारिश का। कैसे हो आप? कैसे हो? बारिश का, बारिश का, बारिश का, बारिश का। चाय पियोगे? चाय चखा, चाय चखा, चखा मतलब पीना, पीना, चाय चखा, चखा मतलब स्वाद। वो तो हाँ, वो तो समझ ली मैं, चखना मतलब चाय चखा, पत खेखा, पत मीन्स खाना। अच्छा, अंसा मतलब आने दो, नहीं आने दो, आओ। थैंक यू, कैमरा बहुत शुक्रिया। आंटी ने बोला दान करिए। क्या हो रहा है ये? शॉपिंग यार, शॉपिंग खत्म नहीं हो रही इनकी ना। चलो मैं शॉपिंग खत्म करवा देता हूँ। ये वाला कलर भी अच्छा है। हाँ ये बढ़िया है, कलर बहुत अच्छा कलर है, निपटा दो इसको। मुझे आपसे बात करने को बोलते मैं मुश्चसे, चलो यार मुश्चसे कात करे, हो गई मुश्चसे कात करे, मुश्चसे कात करे, इसका मतलब मुझे आपसे बात करनी है। मैं चाय चाय होटल पे, होटल पे, होटल पे, होटल पे मैंने चाय पिया, मैंने चाय पिया होटल पे, मैं चाय चाय होटल पे, होटल पे। सलाम, पहले मिलना है आप, नमस्ते करना है, हम नमस्ते करना है, मॉर्निंग करना है, कुछ करना है। रुकी गई, पहले बोलते हैं सलाम वालेकुम। हां सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, वो कह रही वालेकुम सलाम, सलाम ये पहला मतलब। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम, बोलो वालेकुम सलाम, हो गया कुछ नहीं करती है।